फ्रेंड अभी तक का जो यूट्यूब का डाटा है 95% नए नए यूट्यूबर जब मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं 95% नए नए यूट्यूबर जब मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं वो लोग क्या करते हैं 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइब देखते हैं मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है उसका मोनेटाइजेशन डीए अप्रूवल हो जाता है उसका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है अभी तक का जो डाटा है। उसके बाद इस क्यों लोग क्या गलती करते हैं सिर्फ 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइब होने से सब कुछ पूरा नहीं हो जाता है। और भी बहुत सारा यूट्यूब का पॉलिसी है जो आपको मानना पड़ेगा। क्या क्या पॉलिसी है इस वीडियो के अंदर मैं यूट्यूब का टॉप 5 पॉलिसी बताऊंगा। जो टॉप 5 पॉलिसी के अंदर अगर आप एक भी पॉलिसी नहीं मान के चलोगे तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। उसके बाद और एक डाटा निकल के आ चुका है जो जो यूट्यूबर का चैनल मोनेटाइज हो चुका है नया नया यूट्यूबर का स्पेशली वो लोग मोनेटाइज होने के बाद फिर मोनेटाइजेशन चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है एक गलती के चलते उन लोगों का चैनल मोनेटाइजेशन होते हुए भी फिर मोनेटाइजेशन चला जा रहा है। दोस्तों किसके चलते चला जा रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए इस वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है नया यूट्यूबर के लिए स्पेशल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइक देख लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं मोनेटाइज हुआ चैनल क्यों मोनेटाइजेशन चला जा रहा है। दोस्तों जब मेरा चैनल पे मोनेटाइजेशन चला गया तब एक ही मेल आया था यूजिंग टू मेनी कीवर्ड इन योर टाइटल सच एज। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है दोस्तों ये मैं आपको बताऊंगा। आप क्या गलती किया सिर्फ आपका डिसीजन में ज्यादा टाइटल लिखने से ये गलती हुआ नहीं दोस्तों ये गलती इसके चलते नहीं हुआ। दूसरा एक कारण है दूसरा एक छोटा सा गलती किया वो क्या गलती किया जो गलती के चलते मोनेटाइजेशन के बाद ही आपको मोनेटाइजेशन चला गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूट्यूब का मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है। अगर आप नया यूट्यूबर है तो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले सबसे पहले ये चीज आपको देखना पड़ेगा। चलिए तो फ्रेंड देख लीजिए यूट्यूब का मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है। देखिए यहाँ पे क्या बोला मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंदर आइए यहाँ पे देख लीजिए व्हाट वी चेक व्हेन वी रिव्यू योर चैनल। YouTube बोल रहा है जब हम लोग आप लोगों का चैनल चेक कर रहे हैं तो क्या क्या देखते हैं YouTube क्या क्या देखते हैं आपको बोल दिया। मेन थीम देखते हैं मतलब अगर आपका चैनल ब्लॉगिंग है तो आपको ब्लॉगिंग वाला वीडियो डालना पड़ेगा। आप वहाँ पे फनी वीडियो डाल दिया आप वहाँ पे टेक्निकल वीडियो डाल दिया तो चैनल एक एक ऑडियंस का जो लुक है वो ठीक से ही नहीं रहेगा। इसलिए यूट्यूब बोल रहा है आपको थीम चूज करना पड़ेगा। आप जिस थीम पे आपका चैनल है उस थीम पे आपको वीडियो डालना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉगिंग चैनल है आप सिर्फ ब्लॉगिंग वीडियो डालिए आपका टेक चैनल है सिर्फ टेक वीडियो डालिए अगर आपका एजुकेशनल वीडियो है आप सिर्फ एजुकेशनल वीडियो डालिए अगर आपको फनी चैनल है सिर्फ फनी चैनल फनी वीडियो डालिए। अब एक जगह के अंदर फनी डाल दिया मोटिवेशनल वीडियो डाल दिया उसके अंदर टेक डाल दिया तो ये यूट्यूब का पॉलिसी के बाहर है। ये ऐसा करेगा तो यूट्यूब आपका चैनल मोटिवेशन नहीं करेगा। उसके बाद मोस्ट व्यूज वीडियो यूट्यूब क्या बोल रहा है हम लोग जब आपको मोटिवेशन के लिए चेक करते हैं सबसे पहले जो जिस वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा व्यू आया उसको हम लोग चेक करते हैं। तो अगर आपके पास सबसे ज्यादा व्यू जो चैनल जो वीडियो है उसको आप पहले एक बार सही से चेक कर लीजिए उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। न्यूएस्ट वीडियो जब आपको जो नया वीडियो है आप जो वीडियो आप अभी अभी डाले हैं वो भी वीडियो आपको चेक करेगा यूट्यूब। पुराना वाला वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा व्यू जिसके अंदर है वो चेक करेगा नया नया जो वीडियो है एक दो वीडियो चेक करेगा। वॉच टाइम जिस वीडियो के अंदर ज्यादा वॉच टाइम आया दोस्तों उस वीडियो को चेक करेगा वॉच टाइम कहाँ से आया कैसे आया। अगर आप इधर उधर से बाय कर लिया आप फेक वॉच टाइम आ गया आपके पास आप बार बार चला के देखा है तो ये आपका यूट्यूब का पॉलिसी का बाहर है तो उसके चलते आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जेन्युइन आपको वॉच टाइम चाहिए। उसके बाद मेन जो बात है वीडियो मेटा डाटा दोस्तों वीडियो मेटा डाटा का अंदर टाइटल क्या है दोस्तों आपको टाइटल सब्जेक्ट जो है वीडियो के अंदर जो सब्जेक्ट है जो स्टोरी है उस रिकॉर्डिंग टाइटल लेना पड़ेगा। वीडियो के अंदर है मोटिवेशनल संदीप महेश्वरी का मोटिवेशनल यहाँ पे डाल दिया मनोज दे का फनी भाई ऐसा कुछ उल्टा पुलटा डालने से नहीं होगा। जो आपका एक सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको टाइटल लाना पड़ेगा। आप ऑडियंस को मिसगाइड मत करिए यूट्यूब का पॉलिसी है यूट्यूब वीडियो चेक करेगा वीडियो के अंदर अलग है और बाहर आप अलग लिख दिया तो यहाँ पे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। थंबनेल सेम है वीडियो के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको थंबनेल बनाना पड़ेगा। आप ऑडियंस को अट्रैक्टिव करने के लिए वीडियो अलग है थंबनेल अलग बना दिया तो यहाँ पे आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन जो मेन बात निकल के आ चुका है उससे यहाँ पे आप पॉलिसी का जो आप पॉलिसी देखा था यूट्यूब का जो मेन यहाँ पे जो बात निकल के आ चुका था मोनेटाइजेशन के बाद भी मोनेटाइजेशन चला जाएगा। आप मोनेटाइजेशन करने से पहले अप्लाई करने से पहले भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ यूट्यूब क्या बोल रहा है यूट्यूब ये बात बोल रहा है डिसीजन में सो मेनी टैग मत डालिए मतलब डिसीजन जो है वहाँ पे टैग डालिए लेकिन यहाँ पे ज्यादा मत डालिए वहाँ पे कॉमा मत दीजिए। आप लिख दीजिए हाउ टू मेक चिकन हाउ टू मेक चिकन कारी हाउ टू मेक ऐसे लिख दीजिए कॉमा मत दीजिए। अगर आप कॉमा दे दिया तो आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी मोनेटाइजेशन चला जाएगा। अगर आपका चैनल नया है अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो अगर आपका डिसीजन में कॉमा रहेगा तो आपका मोनेटाइजेशन नहीं होगा। तो ये 5 पॉलिसी आपको मानना पड़ेगा अगर आप एक नया यूट्यूबर है और अगर आप एक पुराना भी यूट्यूबर है तो ये पॉलिसी भी आपको मान के चलना पड़ेगा नहीं तो बाद में आपका मोनेटाइजेशन चला भी जा सकता है जो मेरे साथ हुआ था। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।